शिक्षकों के हित का मामला होगा, जो शिक्षा व्यवस्था के हित का मामला होगा, ऐसे मामले में भारतीय जनता पार्टी परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी विषयों से अवगत कराएगी। और जो तेजस्वी जी को ये जानने की ज़रूरत है कि केवल हम हिंदुस्तान की गारंटी नहीं ले रहे हैं, विश्व में भी गारंटी ले रहे हैं। बना था गठबंधन ओरिजिनल खिलाड़ी तो हम लोग के पास, सुशासन तो हम ही लोग दिए बिहार। हमारे साथ पवन जसवाल जी हैं। पवन जी, सरकार तो बन गई, नई सरकार बनी है, क्या लग रहा है अब ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? निश्चित रूप से ये नेचुरल गठबंधन है और इस गठबंधन के आधार पर ही बिहार की जनता ने जनादेश देने का काम किया था, और जो इसके पहले बना था वो नेचुरल गठबंधन नहीं था। निश्चित रूप से नीतीश जी और भाजपा का जब गठबंधन बनता है तो राज्य में कुछ अच्छा ही होता है और राज्य के हित में होगा, और जो निर्णय हम लोग करेंगे वो राज्य के हित में होगा। लेकिन एक चीज़ आप भी विधानसभा में देखे होंगे, तेजस्वी यादव ने कहा था जे ए मोदी के गारंटी वालों, क्या गारंटी लेंगे नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे? तो अब इसको देश की गारंटी नहीं ले रहे हैं, हम विदेश की भी गारंटी लेते हैं, बिहार की गारंटी। आप तेजस्वी जी को ये जानने की ज़रूरत है कि केवल हम हिंदुस्तान की गारंटी नहीं ले रहे हैं, हम विश्व में भी गारंटी ले रहे हैं। हमारे जो देश के 8-8 लोग को फांसी की सज़ा हुई थी, जिस रणनीति के तहत मोदी जी ने उनको वहाँ से निकालने का काम किया, ये दूसरे के बस की बात नहीं थी। तो गारंटी हम हिंदुस्तान की तमाम वैसे जनता का ले रहे हैं जो हिंदुस्तान के निवासी हैं, नागरिक हैं। नहीं, क्या आपको लग रहा है अब नीतीश कुमार जी जो आए हैं तब परफेक्टली रहेंगे? उनके हाव भाव से, चीज़ों से आपको भी अनुभव है? तेजस्वी जी को क्यों आप लोग इशू बनाते? तेजस्वी जी जो कह दिए वो क्या वर्मा का लकीर हो गया? वो अपनी गारंटी तो करें कि अब आगे आने वाले दिन में वो क्या करेंगे, उनको अपने गारंटी की बात करनी चाहिए। मोदी जी की गारंटी की बात वो क्यों करते हैं? अगर वो करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है कि मोदी जी का नाम कम से कम तेजस्वी जी ले तो रहे हैं, और हम लोग तो मजबूर कर दिए हैं मोदी जी का नाम लेने के लिए तेजस्वी जी को। आखिर एक सवाल ऐसे में और उठता है, जब आरजेडी जो खेला करने की बात कर रहे थे उनके ही 3 MLA जदयू कोटे में, देखिए उनके पास तो बोरो प्लेयर था और बोरो प्लेयर के सहारे कोई खेल में जीत होता नहीं है। ओरिजिनल खिलाड़ी तो हम लोग के पास है, ठीक है ना, जो परमानेंट राजनीति और रणनीति बनाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ 365 दिन भारतीय जनता पार्टी में काम होता है और चुनाव के समय में चुनाव होता है, वो केवल चुनाव के समय एक्टिव होते हैं, दोनों में अंतर है। इसलिए ओरिजिनल खिलाड़ी हमारे दल में है। ऑपरेशन लालटेन जो है जारी है, उनके विधायक और भी आ सकते हैं? ये तो लालटेन वाले बताएंगे कि कितने लोग भाजपा में आएंगे। जितने आ जाएंगे भाजपा को लगेगा कि भाई अगर ओजस्वी तेजस्वी विधायक आरजेडी के हमारे यहाँ आएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे उनका, देखेंगे ना, गुण भी तो देखेंगे भाई कि कैसा गुणवान विधायक उधर से आ रहे हैं, इधर जो अच्छे होंगे उनको अगर आना चाहे वो तो पार्टी नेतृत्व को निर्णय लेना है। पार्टी नेतृत्व को निर्णय लेना है कि कौन आएंगे और किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। अच्छा, बस हमको एक अंतिम सवाल दे दीजिए, जो आपको अब क्या लग रहा है अब ये सरकार जो है इंटैक्ट चलेगी, लंबा टाइम तक चलेगी? बिल्कुल, 2005 से हम लोग सर चलाते आ रहे थे, बीच बीच में कभी कोई वैचारिक मतभेद होता है दल के हिसाब से किसी नीति पर तो आदमी अलग हुआ, लेकिन अब निश्चित रूप से अच्छा पहले भी चलाए हैं, अब क्या चलाएंगे, पहले से भी अच्छा चला रहे थे। सुशासन तो हम ही लोग दिए बिहार में, NDA की सरकार दी है, इसलिए अगर गठबंधन हुआ है तो इसका सही सदुपयोग बिहार के हित में। शिक्षकों का जो अभी फिलहाल चल रहा प्रदर्शन, आज शाम में 6 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सम्राट चौधरी जी जो डिप्टी CM हम लोग के, उन्होंने समय दिया है शिक्षकों को 6 बजे और 6 बजे कार्यालय में 11 सदस्यीय टीम को, और निश्चित रूप से चूँकि शिक्षक परिवार की जो भी व्यथा थी उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतरने का काम किया है। हम लोगों ने आंदोलन किया है जब हमारी सरकार नहीं थी, तो जो शिक्षकों के हित का मामला होगा, जो शिक्षा व्यवस्था के हित का मामला होगा, ऐसे मामले में भारतीय जनता पार्टी परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी विषयों से अवगत कराएगी, और जो विषय लागू कराने के लायक होगा उसको लागू कराने का काम करें। तो हमारे साथ ये पवन जसवाल जी थे जिनसे बात कर रहे थे, क्या कुछ कहे इन्होंने वो भी आपने सुना। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपना राय जरूर किसी को सुनूं। साथ अंशु जावेदी, पटना। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।